नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सूजी से बनी ऐसी ज़बरदस्त स्वादिष्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है और इसका खाने में इसका फ्लेवर बिल्कुल जैसे हम सूजी का थोड़ा हलवा खाते हैं या हम छेना से बनी चमचम खाते हैं उसी का टेस्ट आता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप बारीक वाली सूजी ली है। आप कटोरी या किसी चीज़ का भी नाप ले सकते हैं, इसका भी आप नाप ले सकते हैं या इस कप का भी नाप ले सकते हैं, किसी चीज़ का भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने जार लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इसे दो तीन बार चला लूँगी अच्छी तरह से। पहले यहाँ मैंने इसको तीन से चार बार चला के इसे ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, थोड़ा सा दरदरा सा इसे पाउडर बना लिया है। यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है और इस सूजी को हमें डाल देना है और इसको मीडियम आंच पे हमें तीन से चार मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ हम तीन से चार मिनट के लिए भून लेते हैं। यहाँ हम इसको भून रहे हैं, इसको हमें तीन से चार मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है, तीन मिनट तक, और ना इसको हमें कलर चेंज करना है। तो आपको इस ध्यान रखना है, बस इसका हमें कच्चापन दूर करना है। यहाँ पाँच मिनट हो चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सूजी हमारी भून चुकी है, इसमें कलर भी चेंज नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं इस तरह से वाइट रहनी चाहिए सूजी हमारी और इसमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है हमें। सूजी हमारी भून चुकी है, अब यहाँ पे हम दूध का यूज करेंगे। तो यहाँ मैं पहले एक कप दूध का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे जिससे कि इसमें गांठे नहीं पड़े। तो यहाँ हम दूध को डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से चला लेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो हम डालेंगे और नहीं तो नहीं डालेंगे। तो यहाँ इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आधा कप दूध और यूज करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दूध बिल्कुल सूख चुका है, तो यहाँ हम आधा दूध और डाल देते हैं। गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है और इसको हम कम ही रखेंगे जिससे कि गैस तेज रहेगी तो ये जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ हमने फ्लेम को बिल्कुल इस तरह से कर रखा, इसे अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। पहले थोड़ा सा ये जब गाढ़ा हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ तीन से चार मिनट तक आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसको ढककर रख देती हूँ। यहाँ मैंने सूजी को एक परात में निकाल लिया था, अब हल्की सी ये गर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है, हाथों में लगाएंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए इस डो को हम सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे सूजी ठंडी नहीं होनी चाहिए, गर्म में ही हमें इस डो को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है इस तरह से और चिकना बहुत ही है। तो अब यहाँ पे मैंने तीन चौथाई कप मैंने चीनी ली है, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैं पिसी चीनी का यूज कर रही हूँ, आप बूरा भी डाल सकते हैं। अब इसे डाल के अच्छे से हमें मिलाना है। चीनी को डालते ही ये थोड़ा सा चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ये डो पतला हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं डो इस तरह से पतला हो गया है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप नारियल लिया है, अब इस नारियल को डाल देंगे। साथ में आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप और दो चम्मच नारियल का पाउडर डाला था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा आप देख रहे हैं अभी भी इस तरह से ढीला है, हम दो तीन मिनट तक इसे ऐसे ऐसे रगड़ेंगे। इसके बाद मैंने इसको पाँच से सात मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे कि डो अच्छी तरह से बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डो इस तरह से हमारा बन गया है और डो हमारा सॉफ्ट ही होना चाहिए, अगर टाइट होगा जो हम मिठाई बना रहे हैं वो टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ एक पहले छन्नी ली है, छन्नी को हम ग्रीस करके रख लेंगे। थोड़ा सा हमने घी लगा लिया है, आप तेल नहीं लगाइएगा, यहाँ घी का ही यूज करिएगा। अब हमने जो डो तैयार करा है इसमें से छोटी छोटी बॉल्स तोड़कर इसे सिलेंडर की शेप में बना लेंगे और इसे बनाकर हमें छन्नी में रखते जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलेंडर का शेप दिया है, पर बस ये ध्यान में रखना चाहिए इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं पर मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो इधर मैंने इसे छन्नी में सारा बनाकर इस तरह से तैयार कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं।
अब मैंने इधर कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, पानी में उबाल आ चुका है। अब इस छन्नी को हम इसे रख देंगे और इसे सिर्फ 2 से 2.5 मिनट, दोस्तों बात ध्यान से सुनिएगा, 2 से 2.5 मिनट तक ही हमें स्टीम करनी है। अगर हम ज़्यादा स्टीम करते हैं तो ये टाइट हो जाते हैं। 2 से 2.5 मिनट में इसको हम उतार लेंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ स्टीम कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ हमने दूसरी प्लेट भी तैयार कर ली थी और इस तरह से इनको भी हम स्टीम कर लेंगे। यहाँ सभी मिठाइयों को मैंने स्टीम कर लिया था, प्लेट में निकाल लिया था, ये ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर लिया है, इस तरह से हम इसे नारियल के बुरादे में कोट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चमचम को कोट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये सूजी से बनी मिठाई हमारी चमचम जैसी भी लग रही है, पर ये सूजी की बनी है तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आज की वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपना आप सब सपोर्ट देते रहिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।